हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं फ्रॉड के बारे में। आप भी अभी से चालाकी नहीं होते हो तो कभी ना कभी यहाँ पर फंस सकते हो, मतलब इन्हीं फ्रॉड लोगों से पाला पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों वो लाल कलर का बटन दबा को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जब आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हो। तो दोस्तों ये जो कि मेरा दोनों हाथों का 10 फिंगर है, देख सकते हो इनमें से ही सब कुछ होता है। मतलब यहाँ से खाते पीते हैं और यहाँ से पैसा आता है, यहाँ से कमाते हैं और यहाँ से पैसा जाता है, कुछ समझे। अभी की डिजिटल दुनिया में सबसे जरूरी मेन चीज हमारा ये फिंगर हो गया है। पैसा निकालते हैं, ज्यादातर फिंगर दे के ही पैसा निकालते हैं। तो दोस्तों इन्हीं फिंगर से बहुत सारा फ्रॉड हो सकता है। आज मैं उसी फ्रॉड के बारे में बता रही हूँ जो कि आपका एक फिंगर की गलती की वजह से आपका 40-50 हजार रुपए नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं आपको पहले से ही सिक्योर एंड सुरक्षित रहने के लिए ये बात बता रही हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारे आधार कार्ड सभी जगह पर काम में लगती है। देखो बैंक में दिए हैं और भी ऐसे बहुत जगह पर हमने आधार कार्ड को दे चुके हैं या दे रखे हैं। ज़्यादातर हम बैंक के कामों में ही यूज करते हैं, मतलब विड्रॉल डिपॉजिट जो APS सिस्टम होती है जो कि पैसा निकालने में हमारा काम आती है। तो भाई फ्रॉड यहाँ से ही हो सकता है हमारा पैसा का। मैं आपको एग्जाम्पल की दर से एक बात कह रही हूँ। आप अपने घर को डेली अनलॉक करके, मतलब खोला छोड़ के अपने काम में या जो भी काम में जा रहे हो डेली अनलॉक करके दरवाज़ा ओपन करके उसे लॉक नहीं कर रहे हो। एक दिन फ्रॉड नहीं हुई, मतलब चोरी नहीं हुई, दो दिन भी चोरी नहीं हुई, तीन दिन भी चोरी नहीं, ऐसे हफ्ता या महीना गुजर गया कोई बात नहीं, ऐसा एक दिन होता है। किसी ने तो आपको देखा ही होगा कि आपका घर को या आपका जो डोर को अनलॉक करके छोड़ के आप जा रहे हो अपने काम में, ऐसा किसी ने देखा होगा। तो भाई आप जब खुला ही छोड़ रहे हैं तो वहाँ पर चोरी हो सकता है ना। आपने तो ऐसे नहीं कि आपने लॉक करके गए हो, आपने तो खुला छोड़ के गए हो ना, तो वहाँ पर चोरी हो सकता है। तो दोस्तों वैसे ही इस फिंगर के साथ भी ऐसा होता है। देखो UID वालों ने भी फिंगर के साथ लॉक अनलॉक बनवा के रखा है। तो भाई इस सुविधा कब काम में आएगी? आपके लिए तो UID ने बनवा के रखा है जो कि लॉक अनलॉक करने का सिस्टम यूज कर सकते हो, वो वाली फ्यूचर यूज करके, तभी तो आप सिक्योर एंड सेफ में रह सकते हो या रहोगे। तो आप ये सोच रहे हो कि वो फिंगर लॉक या अनलॉक करने से हमारा क्या प्रॉब्लम होगा? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपकी एक गलती की वजह से। वैसे भी इस डिजिटल इंडिया में बहुत जगह पर APS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम चल रही है और ये ID सभी लोग ले सकते हैं। ना कोई एग्जाम पास करने के पड़ता है, ना कोई IIBF का एग्जाम देने के लिए पड़ता है, सभी लोग ये APS ID ले सकते हैं जो कि फ्रॉड में भी ये यूज हो सकती है। क्या होता है कि कोई इसी ID को लेने के लिए कोई भी एग्जाम पास करने के लिए नहीं पड़ती है, सीधे अपने आधार कार्ड पैन कार्ड मोबाइल नंबर मेल ID से ही फ्री में APS ID बन जाती है। जो हो सकता है वो ही मैं बता रही हूँ, मतलब हो सकता है, ये नहीं कि हो गई। मान लो कि आपने कहीं पर गलती से रात या दिन में फंस गए हो, या कहीं पर रात को या दिन में ड्रिंक करके कहीं पर लेट जाते हो, या किसी भी टाइप का हो सकता है, उस टाइम में किसी ने आपका फिंगर दे के पैसा निकाल लेता तो एक ही साथ 40-50 हजार रुपये का, जो कि APS से आधार पे से भीम आधार से यहाँ से 40-50 हजार रुपये आराम से निकल जाती है। या तो आपके अकाउंट में 500 हजार 2000 जितना भी हो वो निकल सकती है, एक रुपया भी वहाँ से निकल सकती है।
इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका जो आधार कार्ड में फिंगर लॉक एंड अनलॉक का जो सिस्टम या फ्यूचर दिया गया है यूआईडी की तरफ से सेफ सिक्योर एंड फायदा में रह सकते हो। 24 आवर्स के लिए वो लॉक होता है। जब भी आपका काम आता है आप 10 मिनट के लिए आप जो कि लॉक या उसे अनलॉक कर सकते हो, मतलब अनलॉक कर सकते हो, उसके बाद 10 मिनट के अंदर ही वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। कैसे क्या करना है लॉक या अनलॉक आधार को सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी स्क्रिप्ट कैसे लॉक करना है अनलॉक करना है। अब रही ये बात कि आप उसे जो आपका आधार को लॉक या अनलॉक कैसे करोगे, तो भाई ये है एम आधार, ये तो बहुत लोगों को पता है, यहाँ से भी लॉक अनलॉक होता है और जो कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो वेबसाइट होती है वहाँ पर भी लॉक एंड अनलॉक होता है। तो मैंने दोनों पर करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो आधार है उसका फिंगर लॉक है, अभी लॉक है। मैं आपको कैसे लॉक है आपको पता नहीं चल रहा है, मैं आपको माई आधार पर चलता हूँ। उसके बाद मेरा जो भी 4 डिजिट का पिन है मैंने डाल दिया, उसके बाद मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर देख सकते हो बायोमेट्रिक लॉक, यहाँ पर रेड ऑप्शन दिया गया है, जो एक ताला आपको समझ में आता है, ताला जो लॉक कहते हैं वो वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। आप टोटल अपना आधार जो आईडी मतलब आपका आधार वर्चुअल आईडी और आपका आधार नंबर को भी लॉक कर सकते हो, मतलब पूरा टोटली लॉक कर सकते हो, तो उतना ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना बायोमेट्रिक लॉक करने से आप सेफ हो जाओगे। तो भाई क्या होता है ना, वो बायोमेट्रिक से ही पैसा जाना आना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ ये वाला मेरा जो कि लॉक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मेरा काम आ जाता है तो, और मैंने यहाँ पर अनलॉक बायोमेट्रिक पर मैंने क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक मिनट मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो मेरा आधार नंबर आ गया और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आ गया, यहाँ पर हमें सिक्योरिटी कोड डालना है जो भी 6924 है, और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट ओटीपी पर हम क्लिक करना है। जब हम रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर फटक से एक ओटीपी जो कि निकल के आ जाती है, यहाँ पर हमारा ओटीपी आ गया, हमने यहाँ पर डाल दिया और वेरीफाई पर हमने क्लिक कर दिया। जब हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा जो कि 10 मिनट के लिए बायोमेट्रिक अनलॉक हो गया। यहाँ पर देख सकते हो येलो कलर का एक ऑप्शन आ रहा है, तुम्हारा 9 मिनट के लिए अभी अनलॉक है बायोमेट्रिक। तो हम 10 या 9 मिनट में हमारा जिसमें फिंगर देना है थम देना है दे सकते हैं, हमारा काम निपट जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो भाई उसे लॉक कैसे करें, तो भाई जब आपका यह वाला लॉक नहीं होगा तो यहाँ पर लॉक करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये मेरा पहले से लॉक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इस वाले आधार कार्ड में बायोमेट्रिक लॉक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर बायोमेट्रिक लॉक करने का ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक पर सीधे क्लिक कर रहना है, क्लिक करने के बाद योर बायोमेट्रिक इज करेंटली अनलॉकेड, मतलब हमारा खुला हुआ है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भाई आप दरवाज़ा अनलॉक करके जा रहे हो, खुला छोड़ के जा रहे हो, कुछ इस तरह से यहाँ पर अनलॉक हुआ है। एनेबल बायोमेट्रिक लॉक टू एवेल लॉक एंड अनलॉक जो भी फ्यूचर दिया गया, तो आप यहाँ पर लॉक कर देते हो, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड शो होने लगता है। एक मिनट, वहाँ पर सर्वर की वजह से थोड़ी यहाँ पर जो आ जाता है, यहाँ पर अपना सिक्योरिटी कैप्चा देके रिक्वेस्ट पर दे देते हो और ओटीपी आ जाता है डाल देते हो, तो आपका बायोमेट्रिक लॉक। उसके बाद जब भी आपको अनलॉक करना है, मैंने जो बताया उस तरह से आपको अनलॉक करना है। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाता हूँ, जिसके पास एम आधार नहीं है, और एम आधार नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके। तो भाई यहाँ पर भी आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ पर देख सकते हो आधार सर्विस में नीचे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको सीधे क्लिक करना है, आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर उसका फ्यूचर के बारे में बताया गया है, क्या क्या करना है क्या नहीं सब कुछ यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर बायोमेट्रिक लॉक, वहाँ पर टिक मार्क जो ऑप्शन दिया गया वहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अनलॉक बायोमेट्रिक पर जाना है लॉक एंड अनलॉक। यहाँ पर अपना 12 डिजिट का 12 डिजिट का जो आधार नंबर या आधार वर्चुअल आईडी होता है वो यहाँ पर फिल करके, यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो कैप्चा यहाँ पर शो होता है वो डाल के आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, वो ओटीपी आ जाएगा वहाँ पर दे देने से आपका लॉक। उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए अनलॉक करना है, आओ वहाँ पर ओटीपी डालो और अनलॉक करके जाओ। और एक बात दिक्कत दे बात की, सभी लोगों के पास मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, आगे ये बड़ी दिक्कत वाली बात। तो भाई वैसे भी सभी जगह पर सीएससी सेंटर पर अभी जो कि पोस्ट ऑफिस पर मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए वो जगह पर ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, कहीं पर भी जाकर आप अपना मोबाइल नंबर एक दिन में अपडेट कर सकते हो, 2-4 दिन में ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा। आपका फोटो भी अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, 50 रुपये लगता है, ज़्यादा नहीं है, जाके अपडेट करो और आप अपना आधार और अपना बायोमेट्रिक अपना फिंगर सिक्योर में रखो और सेफ में रहो।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि वो भी सेफ एंड सिक्योर में रहे। और चैनल में पहली बार है तो दोस्तों वो रेड कलर का जो बता में उसे आप प्रेस करो या दबाओ, मतलब सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, आज के लिए टाटा एंड बाय बाय।